हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ग्रिल स्मोकी आई लुक। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। और गाइज, ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस ग्रे स्मोकी आई लुक को आप भी इजिली क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और सभी चीज़ों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ कंसीलर। ये मैक का कंसीलर है, क्योंकि कोई भी हम अगर आई मेकअप करते हैं तो हमें एक स्मूथ सा बेस चाहिए होता है, तो इसीलिए हमें कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारा जो आई शेडो का कलर है वो और अच्छा दिखे और उभर कर आए। तो मैं इसे अच्छे से फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर, और इससे मैं अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी, ताकि मेरे आई शेडो में कोई भी क्रीज लाइन ना बने। अब मैं लगा रही हूँ ये जैकलिन हिल पैलेट से लाइट ब्राउन कलर का शेड, और इसे मैं एज अ ट्रांजिशन कलर लगा लूंगी। मैं इसे अच्छे से तब तक ब्लेंड करूंगी जब तक मुझे मेरा डिजायर कलर नहीं मिल जाता। और अब मैं ले रही हूँ ये डिब्रोहा की ग्रे कलर की आई पेंसिल है, इसकी हेल्प से मैं अपना ग्रे स्मोकी आई लुक क्रिएट करूंगी। तो मैं अपनी हाफ आई लिड पर लगाऊंगी। पहले मैं इसे हाफ आई लिड पर लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी, उसके बाद मैं इसे पूरी आई लिड पर अच्छे से लगा लूंगी। तो इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अगेन मैं इसी पेंसिल को अपनी पूरी आई लिड पर लगा लूंगी। और गाइस, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो मेरा आई शेड है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। तो देखिए, मैंने अपनी दोनों आईज पर लगा लिया है। नेक्स्ट मैं अपने मार्स आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक कलर का शेड लेकर अपनी आई लिड पर लगा लूँगी और इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइस, यकीन मानिए, जब भी आप अपने स्मोकी आई लुक क्रिएट करते हैं अपनी आईज़ पे, तो आप ब्लैक कलर और ग्रे कलर का मिक्स कर जब अपनी आई लिड पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा एक कलर उभर कर आता है। तो इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैं ग्रे कलर ले रही हूँ, इसे भी मैं ब्लैक आई शेडो के ऊपर ही लगा लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी ये लाइट ब्राउन कलर का शेड लगा लूंगी। सेम स्टेप्स आपने नीचे की लाइन पर भी करने हैं, जो स्टेप मैंने ऊपर आईलिड पर किए थे वही स्टेप मैं लोअर लैश लाइन के लिए भी फॉलो करूंगी, वही सेम स्टेप्स मैं नीचे की लाइन पर भी करूंगी। तो ये देखिए, मैंने ग्रे कलर का आई पेंसिल यूज कर लिया है, इसे लगा लिया है। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और गाइज, अगर आप चाहें तो यहाँ पर फॉल्स लैशेस भी वियर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर मस्कारा के ही 2 से 3 कोट लगाए हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा का काजल। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। और गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपनी ग्रे स्मोकी आई लुक को और ज़्यादा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो आप शिमर ग्रे आई शेडो भी ले सकते हैं। मैंने ये जैकलिन हिल पैलेट से ग्रे शिमर आई शेडो लिया है और इसे मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरी आईज़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। तो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।